प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में कहा था कि पूरी खुशहाली समृद्ध विकास तभी संभव है जब आप ये देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो वहीं दूसरे हाथ में कंप्यूटर। प्रधानमंत्री ने ये बात 1 मार्च 2018 को इस्लामिक स्कॉलर कॉन्फ्रेंस में कही थी। पूरी खुशहाली समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली उनकी सरकार 2022 में अल्पसंख्यक समुदाय से कंप्यूटर देना तो छोड़िए किताब भी हाथ से छुड़ाती नजर आ रही है। पहले तो केंद्र सरकार की ओर से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और अब उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम भी बंद करने की जानकारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी है। आइए हम आपको बताते हैं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम क्या थी और इसके क्या फायदे मिलते थे जो शायद अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अब नहीं मिल पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि एकेडमिक ईयर 2022-23 से अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दी गई है। कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन के एक सवाल के जवाब में लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी जानकारी दी। स्मृति ईरानी ने अपने जवाब में कहा कि क्योंकि MANF योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही हायर एजुकेशन के लिए विभिन्न अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है और अल्पसंख्यक छात्र पहले से ही ऐसी योजना के तहत शामिल हैं, इसलिए सरकार ने 2022-23 से MANF योजना को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि स्मृति ईरानी ने अपने जवाब में ये नहीं बताया कि सरकार की वो कौन सी स्कीम है जो MANF योजना को ओवरलैप करती है जिसकी वजह से सरकार माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलने वाली यह फेलोशिप बंद कर रही है। सरकार जिस मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने की बात कर रही है, आइए हम जानते हैं कि आखिर ये फेलोशिप योजना क्यों शुरू की गई थी। साल 2005 में UPA सरकार ने मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। साल 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में कुल आबादी में 7% लोग ग्रेजुएट या डिप्लोमे वाले हैं, लेकिन भारत की आबादी में तकरीबन 13% का हिस्सा रखने वाले मुस्लिम समुदाय में केवल 4% लोग ही ग्रेजुएट या डिप्लोमा वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। साक्षरता की बात की जाए तो केवल 50% मुस्लिम ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं जबकि 62% मिडिल स्कूल पूरा करने का औसतन स्तर है। मुसलमानों के इसी शैक्षणिक पिछलेपन को दूर करने के लिए और हायर एजुकेशन में मुस्लिम छात्रों की मदद करने के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम 2009 शुरू की गई। केंद्र सरकार अपने फैसले में दलील दे रही है कि स्कॉलरशिप ओवरलैप होती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे दो स्कॉलरशिप ओवरलैप हो सकती है जबकि स्कॉलरशिप देने वाली संस्था एक ही है। PhD करने के लिए UGC के जरिए नेट GRF का टेस्ट देना होता है। नेट परीक्षा में सब्जेक्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अंक पाने वाले यानी मेरिट में आने वाले छात्रों को ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF मिलता है। UGC की तरफ से हर महीने करीब 30,000 रुपए JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई करने वाले छात्रों को दिए जाते हैं। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए सिर्फ वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इसके अलावा उनके परिवार की आय भी सभी स्रोत से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से भी कम होनी चाहिए। यानी मतलब साफ है, जिसे JRF मिलता है उसे मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप नहीं मिल सकती क्योंकि दोनों फेलोशिप UGC ही देता है। फिर ये ओवरलैप कैसे हुई? देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सभी समुदायों के बीच उच्च शिक्षा में मुसलमानों का सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता बड़ी है। आप ऐसे समझिए कि 2010-11 में हायर एजुकेशन में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा केवल 2.53% था, लेकिन 2019-20 में ये आंकड़ा 5.45% तक पहुंच गया। इसी तरह टीचिंग फैकल्टी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 2.5% से बढ़कर 5.5% हो गई।
इससे साफ होता है कि यदि मुस्लिम समुदाय को अवसर दिए जाएं तो वो मुख्य धारा में रहने का इच्छुक है। फिर भी सरकार की तरफ से MANFJC फेलोशिप क्यों बंद की जा रही है, ये समझ से परे है। केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही ये फैसला लिया गया, इसकी खबर छात्रों को लगी तो विभिन्न संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं।